वेलकम टू सविताज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चटनी, बहुत ही स्पेशल चटनी है ये, बहुत टेस्टी, बहुत ही हेल्दी है ये। हम रेस्टोरेंट में जैसे आप बनाते हैं उसी तरह से बनेगी, घर पे जो बनाते हैं उस तरह से इसमें टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल अलग से इसमें टेस्ट आएगा। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है धनिया, जो हमने थोड़े से स्टेम के साथ, इसकी डंडियों के साथ काट लिया है, क्योंकि इनमें भी अपना फ्लेवर होता है। और 5 से 7 हमने लिए हैं हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने लिया है, नींबू का रस है और दही है। आइए शुरू करते हैं। ये हमने एक जार ले लिया है, इसमें हम डालेंगे हरा धनिया जो हमने काट लिया है, अच्छी तरह से धो लिया है इसको, इस तरह से हमने पूरा डाल लिया है। और ये अपने स्वाद के अनुसार आप हरी मिर्च ऐड करें, जो तीखा खाते हैं वो 6 से 7 आप ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए कम तीखा बना रहे तो आप कम डालें। ये हमने 1½ इंच अदरक का टुकड़ा काट के और इसको धो के काट लिया अच्छी तरह से। इसमें अब जाएगा 1 चम्मच ये हम सूखा धनिया ले रहे हैं, 1/2 चम्मच जीरा, सी साबुत जीरा हम इसमें ले रहे हैं, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हम ये काला नमक ले रहे हैं, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा ये हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको पीस लेते हैं। ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट जो हम आलू की भुजिया ले रहे हैं, ये आप किसी भी क्वालिटी के आप ले सकते हैं, किसी भी कंपनी की आलू की भुजिया ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर आने वाला है। ये इसमें 2 चम्मच हम डालेंगे दही, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, और इसको अब हम पीस लेते हैं। ये हमारी चटनी पिस के तैयार हो गई है, ये देखिए हम इसको निकाल लेते हैं, कितना अच्छा इसका कलर आया है और कितनी अच्छी ये बनी है। हमने इसमें फ्रेंड 2 चम्मच पानी भी ऐड कर लिया था, अगर इसमें पिसने में थोड़ी दिक्कत हो तो आप दही और पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी हमारी पिस के तैयार हो रही, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है। हम इसमें 1/2 नींबू ऐड कर देंगे इस तरह से। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। ये देखिए बहुत अच्छी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी बनके तैयार हो गई है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।